अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैंने किचन साफ़ कर लिया है और लस्सी भी बना ली है। लस्सी पीऊँगी मैं थोड़ी थोड़ी करके ऊपर जाके। एक्स्ट्रा लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी हैं। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। जुम्मा है आज, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। ऊपर जाके लस्सी पीते हैं थोड़ा थोड़ा और देखते हैं कि क्या काम है करने को, वो करते हैं। फिल्दा गई हुई है स्कूल, आज उसका पेपर है। आई थिंक 1 बजे तक आ जाएगी वो भी। अब मैं आ गई हूँ रूम में। कम्बल अभी ऐसे पड़ा हुआ है। चलें लस्सी पी के मिलती हूँ मैं आपसे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो लस्सी मैंने पी ली थी, अब खाना खाने जाते हैं। नीचे गिलास को रखते हैं किचन में, चलते हैं कुछ बाहर देखते हैं। आज भी कड़क धूप है, कड़क धूप, कड़क इंतहा की धूप थी कि खड़ा होना मुहाल था। और ये बच्चे देखें, पतंगबाजियाँ, बसंत का महीना है, हर कोई बसंत मना रहा है, पतंगबाजियाँ हो रही हैं। चलो नीचे जाके मिलती हूँ मैं। तो रात में हमने बनाए थे फ्राइड राइस बनाए थे। गरम है, तवे के ऊपर पड़े हैं, अब इनको खाते हैं। खाना मैंने अपना ले लिया है, अब ऊपर लेके जाती हूँ, सुकून से बैठ के खाती हूँ। पता नहीं क्या मुझे गंदी आदत है कि खाना खाने के साथ साथ कोई ना कोई व्लॉग देखना है या कुछ देखना है, तो फिर ऊपर बैठ के सुकून से खाती हूँ, देखती हूँ, खाती हूँ। खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। अच्छा, तो ये रात का टाइम है, मैं नीचे का किचन साफ़ करके समेट के आ गई थी। अभी ऊपर के किचन की बारी है। इस किचन में 2 दिन बाद में आई हूँ, तो अभी इसको बर्तन जो थोड़े बहुत हैं उसको धो लिए थे मैंने और उनको समेट भी दिया था। तो अब किचन हो गया क्लीन, ये भी काम हो गया ख़त्म बिल्कुल। किचन भी क्लीन हो गया है, तो अब मुझे बस नमाज़ पढ़नी है और कुरान पाक पढ़ना है। एक कुरान पाक मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी कोशिश है कि उसको रमज़ान से पहले पहले फिनिश कर दूं, तो इंशाल्लाह हो भी जाएगा। नियत अच्छी होनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह साथ देता है। तो इसलिए कोशिश है कि रमज़ान से पहले पहले ये कुरान पाक मैं इंशाल्लाह मुकम्मल कर लूँ, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो किचन हो गया है साफ़, कितना प्यारा लग रहा है साफ़ सुथरा किचन। उसे ओवन के ऊपर जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, ये बस मुझे परेशान करती हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, इतनी देगें क्यों पक रही हैं। इतनी देगें इसलिए पक रही हैं, इधर हमारे घर की बैक साइड पे आई थिंक कोई महफिल हो रही है, उस महफिल की वजह से ये देगे पक रही है। और माशाल्लाह 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 दोपहर 3 बजे से ये सिलसिला देगों के पकने का स्टार्ट हुआ है और अभी तक माशाल्लाह पक रही है। आई थिंक पकती जा रही है और लोग खाई जा रहे हैं, कुछ ऐसा और है सिस्टम। ये आई थिंक इसी महफिल के लिए ही पक रही हैं। वैसे इधर पकती हैं लेकिन इतनी नहीं पकती हैं, लेकिन आज ये महफिल की वजह से लगता है पक रही हैं। तो अल्लाह पाक इनके रिज़्क में और बरकत दे जो इतना अहतमाम कर रहे हैं, और अल्लाह पाक हम सबको भी तौफीक दे इस अच्छे काम में हिस्सा लेने की। तो इस टाइम अब रात का टाइम हो गया है, गली में इतना कोई रश नहीं है। वैसे माशाल्लाह रौनक रहती है गली में, लेकिन इस टाइम इतना रश नहीं है गली में।
तकरीबन सन्नाटा ही हुआ है गली में। तो ये देखें, हमारी गली में है किसी की शादी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस टाइम बज रहे हैं रात के 11:20। मुझे अभी पढ़नी है ईशा की नमाज़ और कुरान पाक की थोड़ी तिलावत करनी है, पढ़ना है कुरान पाक को। आज पूरा दिन मैंने कुछ ख़ास व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि आज आपको अभी भी पीछे आवाज़ आ रही होगी, हमारे घर की बैक साइड पे कोई आई थिंक वो महफिल हो रही है। दोपहर 3 बजे से लेकर ये टाइम आ गया है, तो उसका ज़्यादा ही मतलब वो उसकी मतलब ज़्यादा आवाज़ की वजह से, लाउडनेस की वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो पिछले क्लिप में आपने मुझे आपने देखा होगा कि मैंने किचन जो बिखरा हुआ था उसको समेटा है, बर्तन धोए हैं जो गंदे बर्तन पड़े हुए थे। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।